हाय गाइस, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग एंड आई विल बी टीचिंग यू अबाउट कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग. उसके अंदर आज हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अबाउट योर चैप्टर नंबर 9 जो डील करता है फॉरेन फंडिंग के साथ. अच्छा, अगर आप देखें आपकी बुक का नाम है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग. सो प्रैक्टिकली जब आप कॉर्पोरेट फंडिंग की बात करेंगे तो ये आपको हर तरीके का आपको हर तरीका बताएगा अबाउट हाउ यू रेज योर फंड्स. आप बात कर सकते हैं यार, हम लोग डेट इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, हम लोग इक्विटी इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, हम लोग बाहर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आप लोगों ने आज तक ADR GDR के बारे में पढ़ा होगा वो इशू कर सकते हैं और फंड्स रेज कर सकते हैं. तो इस बुक के अंदर कॉर्पोरेट फंडिंग का जो आपका पार्ट ए है जो 60 मार्क्स कवर करता है, इसके अंदर अपन ने अलग अलग तरीके से देखना है कि कैसे एक कंपनी फंड रेज कर सकती है. मेरा आज का डिस्कशन इसी कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट ए का चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 के अंदर भी हम लोग स्पेसिफिकली कहां जा रहे हैं, अबाउट योर फॉरेन फंडिंग. अच्छा, अब आप जब बात करते हैं फॉरेन फंडिंग की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन फंडिंग? जाहिर सी बात है, जब कभी भी एक इंडियन इश्यूअर कंपनी अपने इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर लेती है या फिर मैं बोलूं पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेती है, अच्छी तरीके से यहां से फंड रेज कर लेती है और अब उसको चाहिए कि वो इस मार्केट से बाहर निकले और किसी दूसरे मार्केट से पैसा रेज करके लेके आए, मतलब कि अपना शेयर कैपिटल बेस यहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जाए, या फिर फंडिंग के तरीके जिसकी वजह से वो इंडिया से नहीं कहीं बाहर से पैसा लेके आए, ऐसे टाइम पे आप लोग फॉरेन फंडिंग यूज करते हैं. अब बात अगर करें तो फॉरेन फंडिंग करने के तरीके क्या क्या है. अच्छा यार, आप लोग फॉरेन फंडिंग के लिए बाहर जाके इकोनॉमिक कमर्शियल बोरिंग कर सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो बाहर जाके ADR या फिर GDR इशू कर सकते हैं, आप बाहर जाके FCCB इशू कर सकते हैं या फिर FCEB इशू कर सकते हैं. अच्छा, मैंने जो स्पेसिफिकली ये सारी चीजें लिखी है यही आपके इस चैप्टर का कंटेंट है. सबसे पहला है ECB जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. आ रहे हैं क्या होता है इसको आगे बताता हूं. इसके बाद है ADR GDR, बाहर जाके अगर अपन लोग इंडिया के बाहर जाके डिपॉजिटरी सीट इशू करें जिसके ऊपर आप लोग पैसा रेस करना चाहते हैं, जिसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या है, मेरे भारत के शेयर्स. थर्ड, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. आप भारत के बाहर गए, डेट इशू किया और बाद में कन्वर्ट होकर हमारी इक्विटी के अंदर आ जाएगी, या फिर FCEB फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स. अच्छा, इसके अंदर फर्क बस इतना सा होता है, यहां पे फ्यूचर में आपको एक्सचेंज के तौर पे शेयर्स तो मिलते हैं पर इश्यूअर कंपनी के नहीं, किसी और कंपनी के. अच्छा, अभी जो मैंने आपको ये एक एक चीज बोली ये सब इस आपके चैप्टर 9 का पार्ट है. टू गो विथ ECB, सबसे पहले अपन लोग अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात करते हैं. अच्छा, मैं ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊंगा, आप लोगों ने जो जो वर्ड सुने हैं उसी के ऊपर बात करते हैं, ना हमने इसके अगेंस्ट जाना है ना इसके आगे जाना है. अगर आप बात करते हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की, सबसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, उधार लेना. अपन लोगों ने बात करी बोरिंग इज एनी काइंड ऑफ डेट. मैंने आज उधार लिया, मैंने कहा मैंने डेट लिया है. अच्छा, ये बोल रहा है डेट है, उसके ऊपर क्या वर्ड लिखा हुआ है, कमर्शियल. आप लोग वर्ड यूज कर रहे हो यार, इट्स अ कमर्शियल थिंग. अच्छा, कमर्शियल का मतलब अभी के लिए मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि कमर्शियल का मतलब है आपने इसको किसी बिजनेस पर्पस के लिए लिया है या फिर इन फंड्स को आप लोग कहीं ना कहीं पे कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट, एक्सटर्नल. क्या मैं कह सकता हूँ एक्सटर्नल मतलब कोई ऐसे तरीके की जगह जो मेरे देश के बाहर है, इंडिया के बाहर है, ठीक है. तो लेट्स राइट इट आउट ऑफ इंडिया. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है ऐसी तरीके की बोरोइंग, ऐसी तरीके की डेट जो मैं बिजनेस पर्पस के लिए लेता हूं और वो भी कहां से लेके आता हूं, जाके आउट ऑफ इंडिया से लेके आता हूं, इसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, दिस इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. अब जाहिर सी बात है जब आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात कर रहे हैं तो ECB को रेगुलेट करने के लिए सबसे बेहतरीन अथॉरिटी हमारे पास आई RBI. अब RBI ने क्या बोला कि भाई देखो तुम लोग को ECB लेके आना है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देर शुड बी सर्टन परमिसेबल लिमिट्स जिसके थ्रू आप बाहर जाएंगे, पैसा लेके आएंगे और उन्हीं चीजों के लिए पैसे को यूज करेंगे. यार, अगर आप लोग को बोरोइंग करनी है तो क्या इंडियन बैंक्स मर गए थे, क्या आप इंडियन बैंक से पैसे नहीं ले सकते थे? वाई वुड अ कंपनी और वाई वुड एन इश्यूअर गो आउटसाइड टू टेक फंड्स एंड कम बैक इन इंडिया एंड देन यूज इट?
तो इसके लिए ईसीबी रेगुलेशंस दिए गए, जिसके अंदर हम लोगों ने बोला कि भाई आपके पास वेरियस ट्रैक्स है जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हर पर्पस के लिए आप पैसा यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सबके एंड यूजेस कहीं पे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आपका मन पड़ा उतनी पैसे लेके आ जाएंगे आप बाहर जाके। तो अब आज के डिस्कशन में हम लोगों ने देखना है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर कौन से ट्रैक्स अवेलेबल हैं पैसा लाने के लिए, इनके एंड परमिसिबल यूजेस क्या हैं, कौन लोग पैसा ला सकते हैं और किन से हम पैसा लेके आ सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ईसीबी के अंदर। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ईसीबी रिसेंटली अमेंड हुआ है। अगर आप जून 2019 के अमेंडेड प्रपोजल्स देखेंगे जो आप लोगों के लिए इस अटेम्प्ट में लागू होंगे, उस केस में ईसीबी पहले क्या हुआ करता था, आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ। पहले ईसीबी में आपको 3 ट्रैक्स दिए जाते थे जिसके थ्रू पैसा आता था, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। अब ट्रैक 1 क्या कहा जाता था, ट्रैक 1 कहता था भाई कि मैं आप लोगों के पास मीडियम टर्म फंडिंग के लिए आता हूं, मतलब कि अगर आप लोगों को छोटे समय के लिए पैसा बाहर से लेके आना है तो आप बाहर जा सकते हैं, पैसा लेके आ सकते हैं। अब आप पूछते हैं छोटा समय मतलब क्या, तो हमने बोला कि भाई जिसकी मैच्योरिटी मिनिमम 3 to 5 years तक परमिसिबल हो वो ट्रैक 1 के अंदर आ जाते थे। ट्रैक 2 बोला कि भाई मैं भी सेम ही हूं, बस मेरे अंदर फर्क क्या है, मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करवा सकता हूं। हमने पूछा भाई लॉन्ग टर्म क्या, तो इसने कहा भाई लॉन्ग टर्म का मतलब जहां पे मिनिमम आप लोग अगर उधारी लेके आ रहे हो तो कितने टाइम के लिए लानी पड़ेगी, दैट विल बी फॉर 10 years। और ट्रैक 3 हमने बोला, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 में फर्क क्या, जबकि ट्रैक 1 और ट्रैक 2 हमेशा याद रहे फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड होते थे। ट्रैक 3 ने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को इंडियन रुपीस के अंदर डिनोमिनेट करूंगा। तो ट्रैक 3 ईसीबी हुआ करता था जहां पे आप इंडियन रुपीस के हिसाब से पैसा लेके आते थे। अच्छा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जब आप बात करते हो ट्रैक 3 की, मैं आपको एक ही झटके में बताऊं तो INR के अंदर आप पैसा तब लेके आते हो जब आपको एक्सचेंज रेट का बेनिफिट चाहिए। आई टेल यू एक्सचेंज रेट का बेनिफिट कैसे मिलता है, बट बिफोर वी गो देयर एक चीज कि ये INR वाला ट्रैक 3 में भी सर कुछ मिनिमम लाइफ है क्या कि इतने टाइम के लिए ला सकते हैं, तो इसके लिए बोला गया कि इसकी मिनिमम लाइफ है 3 to 5 years के आसपास, यहां तक ठीक है। तो ट्रैक 1 3 to 5 years, ट्रैक 2 10 years, एंड ट्रैक 3 3 to 5 years। ये जो ट्रैक 3 हुआ करता था, ये हुआ करता था इंडियन रुपीस के हिसाब से। अब बात समझना, इंडियन रुपीस में फायदा क्या होता था, आपको एक्सचेंज रेट का फायदा मिलता था। अगर आप लोग ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के हिसाब से डेट लेके आते हो तो इस केस में क्या हो जाता है, जब आप ट्रैक 1 और ट्रैक 2 में लाते हैं तो आपको रीपेमेंट भी कैसे करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। जब आपको रीपेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, मतलब कि उस टाइम की जो कन्वर्टेबल रेट आएगी उस हिसाब से आपको खर्चा करना पड़ेगा और उस हिसाब से रीपेमेंट के टाइम आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो, और अगर उस टाइम डॉलर की प्राइस ज़्यादा हुई तो आपको ट्रैक 1 और ट्रैक 2 में रीपेमेंट करते वक्त खर्चा ज़्यादा आएगा। जबकि अगर आप लोगों ने ट्रैक 3 वाली फंडिंग करवाई है तो इसके अंदर आपको रीपेमेंट भी किस में करना है, इंडियन रुपीस में करना है, तो आप लोग का नुकसान होने से बच जाता है, इसीलिए ट्रैक 3 इंडियन रुपीस के अंदर आ गया। अच्छा है ना, अब आपको नहीं लग रहा कि सर यार ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 अननेसेसरली बहुत बड़ा कर दिया आप लोगों ने, तो इसको जेन्युइनली 2019 के अंदर ही हम लोगों ने ऑल्टर किया। और हमने क्या बोला कि भाई अब है ना ये जो दोनों चीजें ना इनको एक कर दो, अब ट्रैक 1 ट्रैक 2 को एक ही चीज के अंदर लेके आओ, जबरदस्ती इतना लंबा खिंचवाने की जरूरत नहीं है। सो अब जो नए प्रपोज्ड आए उसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आई, या तो आप बोलेंगे FCY डिनोमिनेटेड ECB, या तो आप बोलेंगे FCY डिनोमिनेटेड ECB, या फिर सेकंड आप बोलोगे INR डिनोमिनेटेड ECB। क्या यहां तक सब साथ में हो? अच्छा, बड़ा सिंपल सा था यार, FCY डिनोमिनेटेड फिर INR डिनोमिनेटेड ECB। तो अब अगर आप देखें इसके अंदर क्या हो गया, हम लोगों ने सिर्फ दो ही चीजों में हमारे पूरे इशू को बांट के रख दिया। अब इसने क्या बोला कि अगर हम बेसिस की बात करें तो करेंसी ऑफ बोरोइंग क्या होगी,
फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर बोरोइंग करने की परमिशन देती है, मतलब कि मेरे भारत की करेंसी छोड़ के आप कहीं से भी जाके जहां से लोन लेके आ रहे हो वहां की फॉरेन करेंसी में लोन लेके आ सकते हैं। सो इन एनी फॉरेन करेंसी, INR डिनोमिनेटेड में क्या होगा यार, सीधी बात है लिखा है INR डिनोमिनेटेड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो उधारी है ये इंडियन रुपीस के अंदर डिनोमिनेटेड होगी। तो अब आज के टाइम में सिर्फ दो तरीके की ECBs होती है, एक होती है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और दूसरी होती है INR डिनोमिनेटेड। इसका मतलब है जो तुम लोगों ने अभी अभी जस्ट मेरे साथ ये ट्रैक वन ट्रैक थ्रू डिस्कस ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री डिस्कस किया, अब इसको अमेंड कर दिया गया है। दोस्तों अभी भी आपके मॉड्यूल्स ने इसको अमेंड नहीं किया है, प्लीज़ इसके मॉड्यूल्स मत पढ़िएगा, ये अमेंडेड नया वर्जन आ चुका है, हम सबको जो मैं अभी अभी बता रहा हूँ यही फॉलो करना होगा, हमारे एग्जाम्स के लिए यही रेलिवेंट है। सो लेट्स डू एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय ECBs। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब रीड भी करते हैं और साथ साथ में एक डायग्राम भी बना के देता हूँ आप लोगों को आपके याद करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। So ECBs are commercial loans raised by eligible residents. अच्छा अगर आप नोटिस करें तो इसने अभी क्या बोला कि ECB यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक कमर्शियल लोन है, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अ कमर्शियल लोन, बहुत बढ़िया यार। अच्छा कमर्शियल लोन तो है बट देखो इसको रेज कौन कर सकता है, इसने बोला आर टेकन बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज, कमर्शियल लोन टेकन बाय eligible resident entities। अब बच्चे एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी एंटिटीज जो मेरी भारत की रेसिडेंट है। पहली बात, आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ला रहे हो, आप लोगों को मेरे यहां का पहले क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। आप लोगों को यहां का कौन सा रेसिडेंट होना पड़ेगा, एलिजिबल रेसिडेंट होना पड़ेगा। एलिजिबल रेसिडेंट आप लोग को कहां से पता पड़ेगा, एलिजिबल रेसिडेंट के लिए आप लोगों को फेमा ने बोला आई मस्ट टेल यू कि कौन कौन लोग एलिजिबल रेसिडेंट्स के अंदर आते हैं। आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एलिजिबल बोरोवर्स। अभी के लिए हाल फिलहाल हमने एक चीज जाननी थी कि ईसीबी का मतलब होता है कमर्शियल लोन, जो कौन रेज कर सकता है, एलिजिबल रेसिडेंट रेज कर सकते हैं। अच्छा कहां से रेज कर सकते हो, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है तो आप लोग इसको रेज करोगे फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, from non-resident entities, ठीक है भाई, from non-resident entities अपन raise तो कर लेंगे, पर यहां पर आपको ध्यान देना है जो recognized non-resident entities है। What do you mean by recognized non-resident entities? ऐसी non-resident entities जिसको मैंने recognize किया है कि हाँ ये मेरे lenders बन सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन लोगों को हम बुलाते हैं हमारे borrowers, जो है हमारे एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज, और ये जो आपकी नॉन रेसिडेंट एंटिटीज हैं इन लोगों को आप क्या बुलाते हो, लेंडर्स। चलते हैं आगे। एंड शुड कंफर्म टू द पैरामीटर्स सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूजेस, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग्स, द पैरामीटर अप्लाई इन टोटैलिटी एंड नॉट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। मतलब क्या हुआ, आपको हर चीज देखनी है, क्या ये कमर्शियल लोन है, क्या एलिजिबल रेसिडेंट है, क्या सामने वाला जो लेंडर है वो एक रिकग्नाइज लेंडर है, क्या आप लोग जितनी फेमा के अंदर आपको लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा लोन तो नहीं ले रहे, सारी चीज़ें ऑल साथ में देखनी होती है। ऐसा नहीं कि हाँ एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, हाँ दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही या फिर तीसरी पूरी नहीं हो रही। अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं हुई दोस्तों तो मार्क माई वर्ड्स, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक फंड्स अंडर ECB। चलते हैं आगे। अच्छा ये मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करते थे, तीन ट्रैक्स हुआ करते थे, एक हुआ करता था आपका मीडियम ट्रैक, दूसरा लॉन्ग टर्म और तीसरा INR। सेम वो का वही आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है। अब आते हैं आपके नए पैरामीटर्स ऑफ ECB के ऊपर। फर्स्ट है करेंसी ऑफ बोरोइंग। जब आप बात करते हैं करेंसी ऑफ बोरोइंग की तो हमने बोला कि भाई आज के टाइम पे अगर आप FCY डिनोमिनेटेड ECB हैं तो आप कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर डिनोमिनेट हो सकते हो, और अगर आप INR डिनोमिनेटेड INR डिनोमिनेटेड ECB हो तो आप लोग किस में डिपॉजिट किसके अंदर डिनोमिनेट होंगे, इंडियन रुपीस के अंदर डिनोमिनेट होंगे। सेकंड हम लोगों ने इसका पैरामीटर चूज किया इज द फॉर्म्स ऑफ ECB,
एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा सा नीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा आपका सेकंड है फॉर्म्स ऑफ ईसीबी। अब इसने क्या बोला कि किस तरीके से आप लोग एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकते हैं, लोन्स इंक्लूडिंग। अच्छा क्या मैं एक बैंक लोन की तरह पैसा ला सकता हूं बाहर से? भाई यस, आप बिल्कुल ला सकते हैं। और कैसे पैसा ला सकते हो? इसने बोला आप लोग फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट नोट्स ला सकते हैं, बॉन्ड्स ला सकते हैं, या फिर अपने डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। मतलब बैंक लोन, एनी काइंड ऑफ डिबेंचर्स, आप बैंक लोन रेज कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, या फिर कोई भी एफसीसीबी या फिर एफसीईबीज इशू कर सकते हैं। एफसीसीबी एफसीईबी इशू कर सकते हैं, ये सारे तरीके से आप बाहर से जाके पैसा रेज कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एफसीसीबी और एफसीईबी क्या होता है। जस्ट दो मिनट देना, एफसीसीबी और एफसीईबी अभी क्लियर कर देते हैं। उससे पहले क्या ये सेम तरीके से हम लोग आईएनआर के अंदर भी पैसा रेज कर सकते हैं? वी सेड इन द सेम मैनर यू कैन रेज फंड्स अंडर द इंडियन डिनोमिनेटेड ECBs। However, इसके अंदर आप लोग और क्या क्या कर सकते हो? हम लोगों ने बोला कि अगर इसके लिए आप चाहते हैं तो आप लोग और क्या कर सकते हैं, प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, प्लेन आ जाते हैं, प्लेन वैनिला रुपी बॉन्ड्स। अच्छा प्लेन वैनिला रूपी बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी बता रहा हूँ। अब पहले मैं ना आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चालू करता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा कि फॉर्म्स ऑफ ईसीबी क्या होता है वो समझना। चलिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं एफसीसीबी और एफसीईबी क्या होता है। एफसीसीबी और एफसीईबी, जब आप बात करते हो एफसीसीबी की, तो एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी भी आप बोलते हो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसका मतलब है आज आप लोगों ने कोई बॉन्ड इशू किया है। अच्छा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई तरीके की आपने सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। अच्छा आपने ये बॉन्ड इशू तो कर दिया, पर ये बॉन्ड कौन सी करेंसी के अंदर इशू किया आप लोगों ने? हमने बोला यार ये बॉन्ड हमने इशू किया है कोई फॉरेन करेंसी के अंदर इशू किया है। अच्छा आप लोगों ने एक बॉन्ड इशू किया है, आपने फॉरेन करेंसी के अंदर इशू किया है, पर साथ साथ में एक और वर्ड यूज कर रहा है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो इशू भी फॉरेन करेंसी के अंदर किया गया है, पर ये साथ साथ में क्या है? कन्वर्टेबल है। So can I say this is a kind of debt? This is a kind of debt जिसको हम लोगों ने foreign currency में issue किया है, और ये debt आगे चल के क्या हो जाएगी? Convert कर ली जा सकती है। तो क्या क्या मैं कह सकता हूं कि ये debt अगर convert हो रही है तो आगे चल के किस में convert होगी? आपकी इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। सो हमने क्या बोला, ऐसा कोई भी बॉन्ड, यानी मतलब ऐसी कोई भी डेट जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाए इक्विटी के अंदर, इसको बोलते हैं अपन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अच्छा अब ये जो कन्वर्जन का ऑप्शन होता है ये कंप्लीटली ऑप्शनल है ऑन द इन्वेस्टर, जिसने पैसा दिया था उसके ऊपर है। अगर वो कन्वर्ट करना चाहे तो उसको इशूइंग कंपनी के, आई विल रिपीट, अगर इन्वेस्टर कन्वर्ट करना चाहे तो उसको इशूइंग कंपनी के अंडरलाइंग शेयर्स मिल जाते हैं, उसको इशूइंग कंपनी के अंडरलाइंग शेयर्स मिल जाते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहता तो ऐसे केस के अंदर अपन क्या बोलते हैं कि यार अंडरलाइंग शेयर्स तो नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने बोला आपको कन्वर्जन नहीं करना, आप लीजिए अपने पैसे वापस, रवाना हो जाइए। ये था एफसीसीबी। अच्छा जब अपन बात करेंगे अब एफसीईबी की, यार एफसीईबी के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस इट्स फॉरेन करेंसी
एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। जब आप बोलते हैं इट्स अ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो फॉरेन करेंसी में इशू किए गए, मतलब कि ये फिर से ये भी क्या है, एक डेट है, ऐसी डेट जो कौन सी करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में है। अच्छा, ऐसी डेट है जो फॉरेन करेंसी के अंदर है और आगे चल के ये भी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। दोस्तों देखो, इस बार कन्वर्ट नहीं बोला, इस बार वर्ड क्या यूज किया है, एक्सचेंज यूज किया है, कन्वर्ट नहीं एक्सचेंज है दोस्त। जब भी लग गया ना ये वर्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आगे चल के डेट एक्सचेंज करके हम दे तो देंगे आपको क्या, इक्विटी। पर ये इक्विटी अगर आप लोग को चाहिए तो वापस याद रख लेना दोस्तों इस बात को, अगर आप लोगों ने एक्सचेंज वाला ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो आपकी डेट को कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द इक्विटी, बट नॉट ऑफ द इशुइंग कंपनी बट सम अदर कंपनी। मतलब आपको डेट कन्वर्ट होके इक्विटी मिलेगी पर जो इशुइंग कंपनी है उसकी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। मान लीजिए कि जो इशुइंग कंपनी है वो जब आपके सामने एफसीईबी लेके आई तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ी पावरफुल कंपनी है। इसने बोला कि मैं आपके सामने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स दे रही हूं, फ्यूचर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो मैं आपको, बेटा याद रखना ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी कोई दूसरी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, हमेशा याद रहे इशुइंग कंपनी की कोई ग्रुप कंपनी, इशुइंग कंपनी की कोई ग्रुप कंपनी का कन्वर्जन में आपको क्या देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई रिमोट दूसरी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। और ये एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एफसीईबी बताया जाता है कि आप लोगों को इशूइंग कंपनी के कौन सी ग्रुप कंपनी के शेयर्स एंड में ऑफर किए जाएंगे। अगेन, अगर आपको खरीदने हैं आप लीजिए, नहीं चाहिए मत लीजिए, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सो ये एफसीईबी का फायदा क्या होता है, अगर एक इशूइंग कंपनी चाहे तो अपनी ग्रुप कंपनी को बाहर का एक्सपोजर दिला सकती है, क्योंकि अगर एंड में एफसीबी कन्वर्ट करती है खुद के डेट को इनटू इक्विटी तो उनकी ग्रुप कंपनी का शेयर बेस चेंज हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स में। तो दोनों हैं एफसीसीबी और एफसीबी, अगर आप देखें तो दोनों है क्या, सिर्फ और सिर्फ डेट। ये डेट आगे चल के कन्वर्ट हो रही है, एक में कन्वर्जन इशूइंग कंपनी के शेयर्स के ऊपर होता है और एक में कन्वर्जन इशूइंग कंपनी नहीं उसकी ग्रुप कंपनी के साथ होता है। आप श्योर देख लीजिए अगर आप लोग को इधर कोई डाउट हो, दिस वॉज एफ सी बी एंड एफ सी ई बी, आप श्योर है ना। चलिए वापस आते हैं, तो यही सारे तरीके थे जिसकी तरीके से आप पैसे रेज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके एक और तीसरी तरफ, एलिजिबल बोरोवर्स कौन है। अच्छा, पहले के टाइम पे एलिजिबल बोरोवर्स पढ़ के इंसान पागल हो जाता था पर बोरोवर्स खत्म नहीं होते थे। अगेन 2019 ने इसको भी स्ट्रीमलाइन कर दिया, हमने कहा ईसीबी के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ भसड़ मत करिए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड प्रोसीजर दीजिए, बच्चों को जितनी पढ़ने की जरूरत है उतना ही बताओ, और वही इन लोगों ने किया। एलिजिबल बोरोवर के अंदर हमने क्या बोला कि याद रहे एनी पर्सन और एनी एंटिटी एलिजिबल, एनी एंटिटी एलिजिबल टू रेज एफडीआई। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं तो आप ईसीबी भी रेज करते हैं, बात खत्म। एलिजिबल बोरोवर्स को अपन ने इतना सिंपल रख दिया, ठीक है एकदम। तो यही रूल यहां पे भी लगता है, यहां पे भी लगता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप INR डिनोमिनेटेड ECBs रेस करें या फिर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECBs रेस करें, दोनों के अंदर ही कोई भी एंटिटी जो एलिजिबल है FDI रेस करने के लिए वो यहां पे भी रेस कर सकती है ECB। सर FDI कौन रेस कर सकती है, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज उसके अंदर मत जाना, उसके साथ एडिशनली क्या पढ़ना है वो समझना। पर एक्ट ने साथ में कुछ और एडिशनल यूनिट्स दी है जिनको हम लोगों ने अलाउ किया है कि वो लोग भी बाहर से जाके ECBs रेज करके आ सकते हैं। देखते हैं कौन से, सबसे पहला है यूनिट्स ऑफ SEZ,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स मतलब क्या हो गया. अच्छा देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है, इट्स क्वाइट सिंपल. देश में हम लोग कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है जिस एरिया के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, डेवलपमेंट बहुत कम होता है, और इसको अपन लोग SEZ बनाते हैं. इसको हाईली डेवलप किया जाता है और फिर हम फॉरेन एंटिटीज़ को इन्वाइट करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे काम करिए, आपको टैक्स बेनिफिट भी देंगे, आपको मैनी अदर बेनिफिट्स देंगे, बस आप यहाँ पे काम करो. आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी कोई रॉ मटेरियल की एंड एनी many other things. तो SEZ हमारा सबसे टारगेटेड जोन होता है. तो क्या अगर SEZ चाहे तो वो बाहर जाके पैसा रेज करके आ सकता है? We said yes, SEZ जा सकता है. सेकंड है एग्जिम बैंक्स. नाउ व्हाट आर एग्जिम बैंक्स? एग्जिम बैंक्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स. तो ऐसे बैंक्स जो आज आप लोग को हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट के टाइम पे या फिर इंपोर्ट के टाइम पे, अगर इनको फंड्स की जरूरत पड़ी तो क्या ये भी बाहर जा सकते हैं और पैसा रेस करके आ सकते हैं? ऑब्वियसली जा सकते हैं यार, एग्जिम बैंक्स को भी कंप्लीटली अलाउ किया है पैसा रेस करने के लिए. नेक्स्ट और क्या हो सकता है देख लीजिए. इसके बाद इन लोगों ने दिया है पोर्ट ट्रस्ट. ठीक है, तो अगर कोई भी पोर्ट्स के आसपास कोई भी ट्रस्ट क्रिएट किए गए हैं या फिर कोई भी पोर्ट ट्रस्ट आज के टाइम पे जो रजिस्टर्ड है, वो लोग अगर चाहें तो क्या वो भी बाहर से FDI लेके आ सकते हैं? मतलब FDI इन द सेंस क्या लोग वो भी बाहर से आज जाके ECB लेके आ सकते हैं? वी सेड यस. तो यूनिट ऑफ SEZ, एग्जिम बैंक्स, पोर्ट ट्रस्ट, इन सबको हमने अलाउ किया है कि आप लोग बाहर जाइए, पैसा रेस करिए और यहाँ पे आ जाइए. नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू विद दिस. वन मोर, रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रजिस्टर्ड सिख सोसाइटीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स एंड NGOs. अब देखो इसने साथ साथ में और किन किन का नाम ले लिया. कोई भी NPO, कोई भी NGO, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट, अगर ये लोग भी चाहें तो बाहर जा सकते हैं और पैसा रेस करके आ सकते हैं. पर बेटा इसकी एक खासियत याद रखना, कोई NPO, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट अगर बाहर से जाके पैसा रेस करके आ रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई आप FCY के थ्रू नहीं जा सकते. आप लोग अगर एक NPO हैं, आप एक NGO हैं, आप एक सोसाइटी हैं, आप एक ट्रस्ट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ INR रूट से ECB लाना होगा. आपको INR रूट से ECB लेके आना होगा. आई एम प्रिटी श्योर कि ये पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा. एक बार के लिए क्विक रिवीजन करा देते हैं. दो तरीके की ECBs रह गई हैं, फॉरेन करेंसी और इंडियन डिनोमिनेटेड. फॉरेन करेंसी हमेशा फॉरेन करेंसी में फ्लोट हुई आती है. इंडियन ECBs इंडियन रुपीज़ में आती हैं. फॉर्म्स ऑफ ECB, आप लोग बैंक लोन, डिबेंचर, FCCB, FCEB के थ्रू ला सकते हैं. सेम उसकी तरह ही है, इधर प्लेन वैनिला रुपी बॉन्ड्स भी हैं. बताता हूँ आपको इस चैप्टर में क्या होते हैं वैनिला रुपी बॉन्ड्स. नेक्स्ट एलिजिबल बॉरोवर्स. अच्छा हमने बोला हर एंटिटी जो FDI के अंदर एलिजिबल है वो FCY डिनोमिनेटेड ECB भी ला सकती है और INR डिनोमिनेटेड ECB भी ला सकती है. साथ साथ में हमने बोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पोर्ट ट्रस्ट, एग्जिम बैंक्स और साथ साथ में NPO, NGO, सोसाइटी एंड ट्रस्ट, ये सब लोग भी बाहर जाके ECB ला सकते हैं. हाउएवर अगर आप एक NPO, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट, मतलब आप लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, किसी रीजन के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रूट से ही ECB ला सकते हैं और किसी रूट से आपको पैसा लाना अलाउड नहीं है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों. अच्छा इसी के साथ आपको एक और चीज दी गई है. इन लोगों ने आपको दिया है एलिजिबल लेंडर्स की लिस्ट. इसने आपको क्या दी? एलिजिबल लेंडर्स की लिस्ट. ठीक है, अब देखते हैं भाई आपके एलिजिबल लेंडर्स कौन है. हाँ जी, अगेन एलिजिबल लेंडर्स भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और इंडियन रुपीज के लिए सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए सेम लेंडर्स हैं. तो बोरोवर्स और लेंडर्स अब सेम कर दिए, जबकि पहले के टाइम पे अलग अलग हुआ करते थे, तो अब सेम ही है. बस यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि NPO, NGO, सोसाइटी एंड ट्रस्ट, ये लोग फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन्स नहीं ला सकते. आई जस्ट स्पेसिफिकली मार्क देम सो दैट यू रिमेंबर द थिंग्स विच आई हैव मार्क्ड इन पिंक कैन ओनली बी रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ INR करेंसी एंड नो अदर करेंसी. प्रिटी श्योर, आई होप ये आपको एकदम क्लियर है. अब आ जाते हैं आपके एलिजिबल लेंडर्स की कैटेगरी में. चलिए, द लेंडर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ FATF. अच्छा FATF मतलब क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर इसको कंप्लेंट कंट्री. हमने क्या बोला कि पहली बात हमारा जो लेंडर हो ना
वो ऐसी जगह से हो, हमारा जो लेंडर हो वो ऐसी जगह से हो जिसकी कंट्री के साथ हमारा कोई समझौता है, कोई रिश्ता है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का। तो या तो आप उस कंट्री के रहने वाले हैं जो इसको की सिग्नेटरी है। इसको का मतलब क्या, इसको का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसकी जगह पे या तो आप इसको के मेंबर हैं या फिर आप एफएटीएफ के मेंबर हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, इन दोनों का ही, चाहे आप इसको की बात कर लो चाहे आप एफएटीएफ की बात कर लो, इन दोनों का ही प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? इन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपके लिए बड़ा आसान सा है, ये कहते हैं कि क्या हम लोग क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर आप इन सब किसी हैं तो आप लोग एक दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे। हमने कहा आज तू बाहर जा रहा है किसी और की कंट्री से पैसा लेके मेरे देश में आ रहा है, मुझे उन्हीं लोगों से पैसा लाके देना जो या तो मेरे एफएटीएफ के सिग्नेटरी हैं या फिर मेरे इसको के सिग्नेटरी है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों के सिग्नेटरीज हैं। यहां तक एकदम ठीक है। अच्छा, वैसे इसको के अंदर की तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिग्नेटरीज होती हैं, तो सबसे ज्यादा इसको बहुत ही ज्यादा फेमस मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाउएवर अब देख लीजिए और कौन से लोग हैं जो आपको पैसे लेंड कर सकते हैं। सबसे पहला है मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकग्नाइज लेंडर्स। अब इसने क्या बोला, कोई मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस देश में आप जा रहे हैं सिर्फ वहीं पे, जिस देश में आप जा रहे हैं सिर्फ वहीं पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम उसको बोलते हैं इट्स अ रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस देश में आप जा रहे हैं उसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मल्टीपल कंट्रीज में है, अलग अलग कंट्रीज में है, आप उसको बोलते हो इट्स अ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने कहा एक मल्टीलेटरल या फिर एक रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमको पैसा रेज कर सकता है, प्रोवाइडेड इंडिया उस कंट्री में इनका मेंबर होना चाहिए। अगर इंडिया ने इनको रिकॉग्नाइज किया है तो इनसे जाके पैसा लेके आओ, हमें दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। तो ये उस देश में काम कर रहे हैं जहां पे इंडिया भी क्या है एग्रीमेंट की मेंबर है और वो देश भी क्या है मेरे उस इसको का या एफएटीएफ का मेंबर है। सेकेंड, इंडिविजुअल्स एज लेंडर्स कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। अच्छा, क्या इंडिविजुअल्स भी, क्या इंडिविजुअल्स भी पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार, इंडिविजुअल्स लोग हमारे पे पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते। इंडिविजुअल्स कैन वर्क एज लेंडर्स एंड कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स। तो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, हमारे फॉरेन अगर इक्विटी होल्डर्स हैं, इफ एनी इंडिविजुअल इज माई फॉरेन इक्विटी होल्डर, इसका मतलब है कि पहले से ही आपके पास परमिशन थी मेरे देश के अंदर पैसा लगाने की। अगर पहले तेरे पास मेरे देश के अंदर पैसा लगाने की परमिशन थी जिसके थ्रू आपने मेरी कंपनी के क्या खरीदे थे, इक्विटी शेयर्स खरीदे थे, अगर पहले परमिशन थी तो आज ईसीबी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। पर याद रहे अब ये इंडिविजुअल मेरे इंडिया के अंदर किस किस चीज में पैसे लगा सकता है, अब वो मेरे डिबेंचर्स भी खरीद सकता है। पहले उसने क्या खरीद रखे थे, इक्विटी, अब क्या खरीद रहा है, डिबेंचर या फिर बॉन्ड्स। चलते हैं आगे। थर्ड, अगर कोई फॉरेन ब्रांच है या सब्सिडरी है ऑफ एनी इंडियन बैंक आर परमिटेड एज रिकग्नाइज लेंडर फॉर एफसीवाई ईसीबी। ठीक है, अब देख लीजिए एक और चीज है, बस यही लास्ट है यार। एनी बैंक और ब्रांच जो कहाँ है, फॉरेन में है, जो कहाँ है फॉरेन में है, पर वो किस चीज की ब्रांच है, किस चीज की सब्सिडरी है, कोई इंडियन बैंक की। अच्छा, इंडियन बैंक है उसकी कोई ब्रांच है,
उसकी कोई सब्सिडरी है कहां पे, कोई फॉरेन कंट्री के अंदर, तो क्या अगर आप चाहें तो उस फॉरेन कंट्री में जाके मेरी इस इंडियन बैंक की उस ब्रांच से भी पैसा लेके आ सकते हो क्या? यस, लेके आ सकते हो। पर दोस्त यहां पे एक कंडीशन है जिसको आपको समझना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत लॉजिकल कंडीशन है। याद रहे, अगर आप एक फॉरेन कंट्री के अंदर जाके इंडियन बैंक की किसी ब्रांच के पास जाते हो पैसा रेज करने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ FCY डिनोमिनेटेड ECB रेज करने की परमिशन है। क्यों FCY डिनोमिनेटेड ECB रेज करने की परमिशन है? बड़ा सिंपल सा और बड़ा डायरेक्ट सा रीजन है दोस्तों, बता देते हैं आपको। अगर आप लोग को देश के बाहर जाके भी देश की करेंसी रेज करके आनी है, तो डायरेक्ट इस इंडियन बैंक के पास चले जाते, यार यहीं से पैसे ले लेते। आप बाहर जा रहे हो, इसका मतलब है आपको कौन से डिनोमिनेशन में करेंसी चाहिए? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECBs चाहिए। तो ये था आपके एलिजिबल लेंडर्स की लिस्ट। ठीक है, एक क्विक रिविजन करवा देते हैं आपको। सबसे पहले दो तरीके के ECBs रह गई, एक फॉरेन करेंसी में, एक इंडियन रुपीज में। बैंक लोन, डिबेंचर, FCCB, FCEB, इन सब तरीकों से अपन पैसा रेस कर सकते हैं। तीसरा, बोरोवर कौन कौन है? हर कोई। जो FDI रेस कर सकता है वो आज ECB रेस कर सकता है। उसके साथ साथ यूनिट ऑफ SEZ, एग्जिम बैंक्स, साथ साथ में पोर्ट ट्रस्ट और NPO, NGO, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। हाउएवर, NPO, NGO, ट्रस्ट एंड सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन रूट से ECB ले सकती हैं। लेंडर कौन कौन हो सकते हैं? जो भी FATF का या फिर ISCO का मेंबर है उसको बिल्कुल अधिकार है कि वो मुझे पैसे लेंड कर सकता है। यहाँ पे भी कोई मल्टीलेटरल या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पैसे दे सकती है, कोई इंडिविजुअल हमारे को पैसे दे सकता है, पर वो इंडिविजुअल पहले से हमारा क्या होना चाहिए? एक फॉरेन इक्विटी होल्डर होना चाहिए और आज वो हमारे डिबेंचर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और लास्ट, आप कोई ऐसी ब्रांच में, कोई ऐसी सब्सिडरी में गए हैं जिसकी मेन बैंक कहाँ है? इंडिया के अंदर है। आप वहाँ से पैसा लेके आना चाहते हो, हमने वहाँ भी अलाउ किया, पर ऐसे केस के अंदर आप लोग FCY डिनोमिनेटेड ECB रेज कर सकते हैं और कोई नहीं। आई बिलीव दिस इज ऑल क्लियर राइट नाउ। दोस्तों वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ECB, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, वी आर जस्ट डन। आ जाइए, चलते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके साथ दी इसकी एंड यूज नेगेटिव लिस्ट। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, आ जाते हैं अपन, चलते हैं एंड यूज नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, अभी एंड यूज नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या दोस्तों? यार बड़ा डायरेक्ट है यार, नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे आप काम नहीं कर सकते, ऐसी जगह जहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आपको बोला ही नहीं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करो, हम बस आपको ये बता रहे हैं पैसा कहां इन्वेस्ट मत करो। अगर यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो बाकी जहां चाहिए वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो। आप देख लीजिए नेगेटिव लिस्ट, और बहुत सरल, बहुत डायरेक्ट नेगेटिव लिस्ट है भाई, हर चीज, हर पॉइंट लॉजिक बनेगा। ECB प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वुड इंक्लूड, पहला, मेरे भारत के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसा मत लगाना। दोस्तों ये कंडीशन आ रही है फेमा से, फेमा में भी बोला गया है कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा मत लगाना। हम लोगों ने स्टार्टिंग से बोला है कि हमारे रियल एस्टेट में, या फिर आप बाहर से पैसा लेके, अच्छा देखो अब आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से पैसा लेके आए हो और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कहां पे? मेरे कैपिटल मार्केट में। अरे अगर ऐसे ही करना होता तो हम हर किसी को अलाउ कर देते हमारे देश के अंदर, बाहर से पैसा लेके आए और यहां पे लगा दे। तो इसीलिए रियल एस्टेट में, यहां के हमारे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना। थर्ड, आप लोग बाहर से पैसा लेके आए और यहां पे किसी की कंपनी खरीद रहे हो बैठ के, उनके इक्विटी में क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिल्कुल नॉट अलाउड है। हमने बोला अपने पैसों पे करो, बाहर से लोन लाके इंडिया के अंदर ECB के अंदर, बाहर से आप ECB रेस करके आ रहे हैं और इंडिया के अंदर इक्विटी खरीद रहे हो, व्हाट सेंस डज दैट मेक? बाहर से उधार ले रहे हो यहां पे मालिक बनने के लिए, कोई सेंस ही नहीं बनता यार। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करना। अच्छा, अब है ना, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए थी। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपके डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत थी, इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमने कहा इतना नीचे कि वर्किंग कैपिटल लेने के लिए आप ECB लेके आओगे? ECB लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लाई जाती है, इतने छोटे पर्पसेस के लिए ECB कभी भी नहीं लाई जाती है। सो रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट,
इक्विटी, वर्किंग कैपिटल और क्या बताया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक्सेप्ट फॉर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स. अच्छा, हम लोगों ने इसको भी इंक्लूड करते हुए हमने क्या दिया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ईसीबी सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ला सकते हो, कोई आलतू फालतू जनरल रीजंस के लिए मत लाना, कोई जनरल प्रोस्पेक्टिव रीजंस के लिए नहीं आ सकती. आ जाए इसके बाद लास्ट क्या था, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स एंड ऑन लैंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटी. अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत लॉजिकल है. ये कहता है आप बाहर से ईसीबी नहीं ला सकते, क्यों, आपको इंडिया के अंदर कोई अपना रुपी डिनोमिनेटेड लोन उतारना है. अरे आप लोग एक लोन उतारने के लिए बाहर से लोन लेके आ रहे हैं, मतलब ये तो ये हो गया कि डेट की कोई एज ही नहीं है. आज आप इसको इंडियन रुपी लोन को उतारने के लिए बाहर से लोन लेके आ रहे हो, कल इस लोन को उतारने के लिए कोई दूसरी जगह जाओगे लोन लेके आओगे और ऐसे ही चलते रहोगे. तो हमने बोला इस चीज को कहीं पे स्टॉप लगाओ भाई. तो इसीलिए रुपी डिनोमिनेटेड लोन अगर आपको उनका रीपेमेंट करना है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनके रीपेमेंट के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, इट्स कंप्लीटली नॉट अलाउड. आ जाए लास्ट चीज, लास्ट, अगर आप पैसा लेके आए इनमें से किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाली एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अब इस बात को समझेगा, कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी एंटिटी है जो इनमें से कोई भी काम करती है और आप उस एंटिटी को जाके पैसा दे रहे हो, हमने बोला ये भी नॉट अलाउड होगा. सो ऑन लैंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज, मतलब आप कोई और एंटिटी को पैसा दे रहे हो जो यही वाले काम करती है, हमने कहा नहीं चलेगा. सो कौन से लोग एंड यूज के अंदर नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ गए, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, रीपेमेंट करना इंडियन लोन्स का, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो इन्हीं में से कोई काम करती है उसको उधार देना. इन सारी चीजों के लिए हम लोगों ने बोला कि आप ईसीबी रेज नहीं कर सकते. आई बिलीव ये बहुत सिंपल जा रहा होगा आपको दोस्तों. दीज आर वन ऑफ द मोस्ट टफ कंसेप्ट, पीपल फाइंड इट, मतलब आई बिलीव लोग नफरत करते हैं ईसीबी से. आई एम ट्राइंग कि मैं इसको जितना सिंपल कर पाऊँ आपके लिए कर देता हूँ. और इसके बाद ईसीबी का लास्ट टॉपिक एंड वी आर डन विद द पार्ट ऑफ ईसीबी, दैट इज योर एंड यूज प्रिस्क्रिप्शन. अच्छा फर्क समझिएगा, ये है आपकी नेगेटिव लिस्ट, मतलब कहाँ पैसा यूज नहीं कर सकते. अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आप कितना पैसा यूज कर सकते हैं. इसको दो मिनट में खत्म कर देते हैं. बेटा याद रखना, मैक्सिमम एक एंटिटी बाहर जाके कितना ईसीबी रेज कर सकती है, हमने कहा मैक्सिमम एक एंटिटी बाहर जाके $750 मिलियन रेज कर सकती है, मैक्सिमम. इससे ज्यादा पैसा आप रेज नहीं कर सकते. पर इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई बाहर जाएगा और इतना पैसा रेज करके आ जाएगा. डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है रिपेमेंट करने की, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना पैसा रेज कर सकते हैं. सो ईसीबी मैक्सिमम कितना रेज हो सकता है, $750 मिलियन तक. ये $750 मिलियन तक आप लोगों को हमने ऑटोमेटिक रूट दिया है. नाउ व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट, ऐसा रूट जिसके अंदर आप लोगों को, मैं इसको दूसरे कलर में लिख देता हूं, ऐसा रूट जिसमें आप लोगों को आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता है, आप लोगों को सिर्फ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के पास जाना पड़ता है और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो आप इतना पैसा रेज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट. तो देखते हैं, अंडर द अफोरसेड फ्रेमवर्क ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू 750 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ये लाइन है. फर्दर इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स. अच्छा अब देखो, अब है ना, आप ईसीबी रेज करना चाह रहे हो, इस बार आप ईसीबी किन से रेज करना चाह रहे हो, आप ही के फॉरेन इक्विटी होल्डर्स से. बेटा ये फॉरेन इक्विटी होल्डर्स वाला पॉइंट मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था क्या आपके लेंडर्स की लिस्ट में. इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि कौन कौन लोग लेंडर बन सकते हैं, तो उसमें मैंने आपके सामने बात की थी इंडिविजुअल भी आपका लेंडर बन सकता है जो ऑलरेडी क्या हो, आपका फॉरेन इक्विटी होल्डर हो. तो आज आप पहले तो ईसीबी अगर नॉर्मल रूट से लाए तो 750 मिलियन, अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ईसीबी ला रहे हो तो हमने क्या बोला, बात समझना,
अप टू 5 मिलियन यूएस डॉलर, अप टू 5 मिलियन यूएस डॉलर, तो कोई सवाल की बात ही नहीं, ऑटोमेटिक रूट है, आराम से जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप 5 मिलियन से ज्यादा रेस करना चाहते हो तो आपके लिए एक रेशो बनाया गया है जिसको मैं एज गुड एज डेट इज टू इक्विटी का रेशो कहता हूं। क्या कहता हूं? डेट इज टू इक्विटी का रेशो कहता हूं। इसको ये लोग ईसीबी लाइबिलिटी इज टू ईसीबी, या फिर हाँ इक्विटी रेशो कहते हैं, ईसीबी लाइबिलिटी इज टू इक्विटी रेशो कहते हैं। अब आप जो बोलना चाहें, आप इसे डेट इज टू इक्विटी बोले या फिर आप इसे ईसीबी लाइबिलिटी इज टू इक्विटी रेशो बोले। अब बेटा ये क्या बोल रहा है कि देखो अगर 5 मिलियन यूएस डॉलर तक बाहर वाले लोगों से पैसा रेस कर रहे हो ना, तब तक तो क्वेश्चन ही नहीं है। बेटा मैं कंडीशन किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? फॉरेन इक्विटी होल्डर्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगर आप 5 मिलियन यूएस डॉलर तक रेस कर रहे हो ना, तब तक तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ये रेशो वाला क्वेश्चन ही कब आएगा? जब 5 मिलियन से ज्यादा रेस कर रहे हो, तब ये बोलता है कि अगर आपके पास बाहर के इक्विटी होल्डर्स का 1 रुपया है ना, तो आप उसके मुकाबले बाहर के लोगों से 7 रुपए उधार मांग सकते हैं। अगर आपके पास बाहर के लोगों का 1 रुपया है तो आप बाहर के लोगों से 7 रुपया उधार मांग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू हैव फॉरेन इक्विटी होल्डर्स अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज, यू कैन रेज ईसीबी अमाउंटिंग टू 70 लाख रुपीज। That is 7:1 का रेशो चलता रहेगा, यहां तक एकदम ठीक है बेटा। पर 7:1 का रेशो कब निकालना है? जब यूएसडी 5 मिलियन से ज्यादा पैसा रेस कर रहे हो, और वो भी पैसा किन से रेस कर रहे हो, प्लीज वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेस कर रहे हो। आई होप यहां तक आप लोग को एकदम क्लियर है, जल्दी से रीड मार देते हैं। फर्दर, इन केस ऑफ FCY डिनोमिनेटेड ईसीबी रेस्ड डायरेक्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, आपका ईसीबी लाइबिलिटी इज टू इक्विटी रेशो, ईसीबी लाइबिलिटी इज टू इक्विटी रेशो अंडर द ऑटोमेटिक रूट कैन नॉट एक्सीड 7:1। आपके पास कितना परमिटेड है? 7:1 परमिटेड है, यहां तक ठीक है। ऑफ ऑल द ईसीबीज इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड वन, सॉरी, However, this ratio will not be applicable if outstanding amount of all the ECBs, including proposed one, is up to $5 million. 7:1 के रेशो की बात ही नहीं आएगी अगर आपके लोन्स की फंडिंग अभी तक सिर्फ कहाँ तक है? $5 million तक है। Further, the borrowing entities will also be governed by the guidelines on debt equity ratio issued, if any, by the sectoral or prudential regulatory norms. इसके साथ साथ अगर कोई भी आपके अलग अलग सेक्टर्स ने कोई भी और prudential norms दिए हैं, prudential norms का मतलब होता है आपके बेटर फंक्शनिंग के लिए कोई भी norms दिए हैं, तो आपको उनको भी अधेर करना है, that is उनको भी follow करना पड़ेगा। यहाँ तक का ECB का पार्ट मेरे हिसाब से आप लोगों का एकदम क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसमें। तो दोस्तों अगर मैं आपके सामने प्रैक्टिकली बोलूं, तो आज के टाइम में इन लोगों ने क्या कर दिया, आपके लिए ECB के रूट को पूरी तरीके से शॉर्टन अप कर दिया। आई जस्ट चेक कि मैंने कुछ भी मिस तो नहीं कर दिया है। यस, सो वी आर डन विथ योर ECB पार्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया हो। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप डेफिनेटली मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। सो दिस साइड प्रोफेसर चिराग सेइंग बाय बाय। आई थिंक हम लोगों ने आज पूरा कवर किया है अबाउट व्हाट इज द न्यू फॉर्म ऑफ ECB एंड हाउ एक्चुअली ECB करंटली वर्क्स इन द करंट सिनेरियो। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप हम लोग आगे मिलते रहेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे। Together we share and we grow together. This is Chirag signing off. Bye-bye.